हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ में एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे साथ में मेरे फियांसे। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ब्लॉग आज पहली बार देख रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आई हूँ रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है रेस्टोरेंट जो नया ओपन हुआ है दिवाली के टाइम में, एंड इसको ओपन हुए को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी दिवाली पे ही ये ओपन हुआ है। तो मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ इसमें, तो देखते हैं कैसा फूड है यहाँ का। सो फ्रेंड्स, हमने खाना ऑर्डर दे दिया है, कढ़ाई पनीर एंड बटर नान सैलेड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम खाना खा रहे हैं, तो हमने ज़्यादा कोई रिस्क लेना सही नहीं समझा, बिकॉज खाना जब तक खाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने सिर्फ कढ़ाई पनीर एंड बटर नान ऑर्डर दिया है। तो अब हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं और देखते हैं खाना कैसा है। तो वेट जारी है, अभी हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, खाना आ चुका है एंड हमने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो नान सब्जी वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी थी एंड मैं वीडियो नहीं ले पाई, तो मैं उसकी जो फोटोज़ है वो आपके साथ में थंबनेल में शेयर कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना जो है वो अच्छा है और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं एंड सैलेड भी काफ़ी सही है, गाजर और क्यूकम्बर वगैरह है एंड कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी भी सही है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर लंच मैं मेरी मॉम के साथ एंड फियांसे के साथ में हम लोग आए हैं विशाल मेगा मार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी है और हम कुछ चीज़ें तो सोच के आए हैं एंड कुछ चीज़ें सोची भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या स्टफ़ मिलता है। एंड आज दिवाली के मुकाबले अभी जो है भीड़ थोड़ी कम है एंड काफ़ी सारा नया सामान भी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या लेती हूँ। एंड यहाँ पे जो है मेरे फियांसे के लिए मम्मी जो है टी शर्ट देख रही है और मैं भी देख रही हूँ, बट ब्लॉग मुझे शूट करना पड़ेगा तो इसलिए मेरे हाथ में मोबाइल है एंड वो लोग मुझे दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये जेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे जीन्स है रखी हुई है और काफ़ी सारी वैरायटी है। लेकिन आपको विशाल में ये चीज़ है कि आपको अच्छे से देख परख के लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे चीप सामान भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए आपको क्वालिटी देखनी पड़ेगी अगर आप कोई भी
शर्ट या क्लोथ्स में या फिर कोई भी चीज में आप सामान ले रहे हो तो आपको अच्छे से क्वालिटी देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये टी शर्ट देख रहे हैं और ये वाली टी शर्ट मेजर करके देख रहे हैं कि इनके आएगी कि नहीं आएगी। एंड ये वाली टी शर्ट मुझे भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, तो यही वाली टी शर्ट लेने का सोच रहे हैं हम लोग। मेरे को ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है और ये दोनों शॉपिंग करने पे लगे हुए हैं और टैग्स देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं। तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं थोड़ी शॉपिंग, मैं भी थोड़ी शॉपिंग इंजॉय करती हूँ। एंड आप देखिए मेरा ये वाला ब्लॉग, एंड एंड में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो चलिए till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सो फ्रेंड्स हम चार्ट हाउस में आए हैं, तो यहाँ पे हम एक कॉफ़ी पियेंगे एंड समोसा या कचौड़ी ऐसा कुछ खाने का सोच रहे हैं।
तो ऐसा कुछ हम खाएंगे यहाँ पे एंड देन हम घर चले जाएंगे एंड चेतन अपने होटल चले जाएंगे। कुछ चीजें लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लिया था ये एक टॉवल है और ये हाथ वगैरह हैंड पूछने के लिए घर पे चाहिए होता है तो ये मैंने टॉवल लिया है एक। तो फ्रेंड्स देन मैंने लिया है ये एक जरिया। तो फ्रेंड्स ये घर में जैसे कि किचन वगैरह में चाहिए होता है सभी कोई जानते हैं। देन मैं लेके आई हूँ यहाँ पे ये वाला कद्दूकस करने वाला एंड ये मम्मी का स्टफ है, मम्मी अपनी मर्जी से लेके आई है ये। एंड देन मैं यहाँ पे ये दो प्लास्टिक के कंटेनर्स लेके आई हूँ एंड इसके अंदर मैं अब कोई भी अपना स्टफ मैं रख सकती हूँ तो मैं ये दो लेके आई हूँ और ये दो एक साथ आए हैं एंड इन दोनों का मैंने पे किया है 60 रुपीज। तो पर पीस 30 रुपीज मैं लेके आई हूँ एंड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। देन मैं लेके आई हूँ ये वाला एक एंड ये मम्मी ने लिया है चम्मच वगैरह रखने के लिए, जो किचन में चम्मच वगैरह रखते हैं तो उसके लिए मम्मी ये लेके आई है। देन ये किचन टॉवल लेके आई हूँ मैं एंड ये एक ही लेके आई हूँ तो इसको यूज करके देखूंगी ये कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है, उसके बाद ही मैं और लेके आऊंगी। तो ये किचन टॉवल लेके आई हूँ एंड इसका कलर काफी अच्छा है। देन मैं यहाँ पे ये उड़ के दो स्पून लेके आई हूँ एंड ये 40 रुपीज का, 40 रुपीज में मुझे दो स्पून मिले हैं। देन यहाँ पे ये जो है ये कुछ पोछा है जैसे कि किचन वगैरह में चाहिए होता है तो ये पोछे हैं तो ये भी मम्मी का स्टफ है एंड ये भी पानी वगैरह पूछने के लिए ही है तो ये भी मम्मी का स्टफ है। देन फॉर माय फियांसे ये टी शर्ट हमने ली है एक, ये टी शर्ट घर में पहनने के लिए ली है तो ये एक टी शर्ट ली है एंड देन लिया है यहाँ पे एक हुडी लिया है प्लेन हुडी। एंड इस हुडी में दो पॉकेट है एंड एक कैप है तो ये हुडी ली है हमने। देन एक पजामा टाइप जैसे घर में पहनने के लिए लिया है तो ये एक पजामा टाइप लिया है, एक ही लिया ये। देन ये कुछ खाने की चीजें है, ये रियल का मिक्स फ्रूट जूस एंड ये फॉर्मुलाइट डाइजेस्टिव ओट्स एंड आलमंड का बिस्किट। देन यहाँ पे ये हजमोला एंड यहाँ पे ये लेज है। देन मैंने एक मेरे काम की चीज लेके आई हूँ, एक स्टोरेज यूनिट लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एक स्टोरेज के लिए। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके का है एंड इसके फोर जैसे सेक्शंस आपको दिख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के फोर सेक्शन बने हुए हैं। तो मुझे इस तरीके का स्टोरेज चाहिए था काफी टाइम से तो मुझे आज मिल गया तो मैं ये लेके आई हूँ एंड मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ एंड मटेरियल वगैरह काफी अच्छा है एंड ये मुझे 400 के आसपास कुछ पड़ा है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एंड ये इस तरीके से प्लास्टिक से रैप किया हुआ है। फ्रेंड्स मटेरियल काफी अच्छा है एंड अगर आप थोड़ा बहुत आपका स्टोरेज वगैरह है तो फ्रेंड्स इस तरीके का ठीक रहता है आपके लिए ताकि एक जगह पे आपकी सारी चीजें रहती है। तो ये इस तरीके का ओपन करने का है तो ये काफी अच्छा लगा मुझे तो मैंने ऐसा एक लिया। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई व्लॉग, शेयर माई व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय।